हेलो व्यूवर्स, एनएफए नेट क्लास में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अर्लियर 17th सेंचुरी के कुछ रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्टेड इट। यहाँ पे द ट्रेजेडी ऑफ द जैकोबियन एज ओपन हुआ था। वर्ल्ड और परवर्जन और सेंसिबिलिटी और करप्शन और वायलेंस की बात हो रही है। ट्रेजेडी में अलग तरह एडवेंचरस का फॉर्म होता है। ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम, प्लेस को दिखाया जाता है। इसमें वायलेंस भी आएगा, करप्शन को भी दिखाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड भी यहाँ पे बोला जा रहा है, जो थीम रहता था, द थीम ऑफ ए ट्रेजेडी बिकम मोर प्राइवेट, पब्लिक नहीं होता था, प्राइवेट पे होता था, जो कि एप्रीएंस द प्रॉपर पॉपुलर डोमेस्टिक एक ट्रेजेडी को बताता था, ठीक है। उस पे ऑन द सेनियर डीलिंग करता था विद मोर पर्सनल एस्पेक्ट पे, जो कि ह्यूमन के एक वीकनेस को बताता था, ओके। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, ऑन द अदर हैंड, ये तो ट्रेजेडी की बात हुई, अपार्ट फ्रॉम ट्रेजेडी की बात हुई, और यहाँ पे हम कॉमेडी की बात करेंगे। कॉमेडी में द कॉमेडी ऑफ द एज बिकम मोर लोकलाइज्ड हो गया था। ये कॉमेडी बहुत ज़्यादा लोकल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हर ऑथर कॉमेडी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो लोकलाइज्ड हो गया था, जो कि रेस्टिंग द सोशल लाइफ को दिखाता था, वो भी लंदन के लाइफ को दिखाता है, सोशल लाइफ ऑफ ए लंदन, एक सिटी, उसको दिखाता है। यहाँ पे जो इस्टैब्लिश हुआ, सॉरी, री इस्टैब्लिश इम्पल्सेस टू द मनी और सेक्स के बारे में हुआ था, उस चीज़ को बताया जा रहा है। अर्निंग का जरिया कॉमेडी बना है, मतलब ड्रामा बना है, उस चीज़ को बताया जा रहा है, ओके। और दिस कॉमेडीज आर रिफर द सिटीज ऑफ कॉमेडीज भी बोला गया है, ओके, इस चीज़ को भी बताया गया है। तो यहाँ पे एक ऑथर है जॉर्ज चैपमैन करके, ये अदर 17th सेंचुरी में काउंट होते हैं, ड्रामेटीज नहीं है। इससे पहले हमने एलिजाबेथन एज डिस्कस किया है, तो उसमें भी हमने बहुत सारे राइटर को डिस्कस किया है, थॉमस मिडिलटन को भी डिस्कस किया है, और क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में भी डिस्कस किया है। तो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, और रेनेसा भी आया था, और ड्रामा का भी रिफॉर्मेशन हुआ था, उस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जॉर्ज चैपमैन इज द बेस्ट नोन फॉर ट्रांसलेटर, होमर का वर्क है ये, ग्रीक में है ये वर्क, ग्रीक में, इसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ओके। फिर ही वॉज द मेड फेमस वेन आई एंटिक पोएट जॉन किट्स, जॉन किट्स रोमांटिक एज पे काउंट होते हैं, ठीक है, जॉन किट्स रोमांटिक एज पे काउंट होते हैं, बहुत सारे उन्होंने पोएट्स लिखा है। फिर रोट द फेमस सोनेट ऑन लुकिंग इन टू चैम्पियंस इन द होमर, ठीक है, ये इन्होंने एक पोयम सोनेट लिखा है, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रामेटीज जो हैं इस एज में काउंट होते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है, ही प्रोड्यूस द सम वर ट्रेजेडीज जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे रोमन सेटोलिंग फिलोसफी से, इन्फ्लुएंस हुए थे। रोमन ड्रामा की भी बात करते हैं, क्योंकि रोमन ड्रामा में एपिसोडिकल और कुछ डायलॉग्स की जगह में म्यूजिक कंपोज हुआ था, ठीक है। आगे और कुछ डिस्कस करते हैं, इनके वर्क पे डिस्कस करेंगे। द एम्बियोडीज जो कि 1604 पे लिखा गया था, ये इट इज़ द बेस्ट कंसिडर द बेस्ट वर्क ऑफ ए ट्रेजेडी, जिसमें ओल्ड सॉलिटरीज है जो कि बिकम विक्टम और कोटली इंट्रोड्यूस को बताता है, जिसपे सिमिलर टू ओथेलो, ओथेलोस विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा वर्क है जो कि ट्रेजेडी में काउंट होता है, और उसमें कंसिडर द ओल्ड सॉलिटी को डिस्कस किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ओथेलो को मेंशन किया हुआ है, ओके। और चैम्पियंस रोट ऑल्सो रोट द सीक्वल टू इट इज ए कॉल्ड द रिवेंचर, अब रिवेंच आ गया इसमें, तो ब्लडी रिवेंच और सेनेका मॉडल भी आएगा इसमें, तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ द ये वर्क पे बिजी एम्बियोडियस पे इस रेफरेंस के तौर पे हमने लेके आया है, और उसमें कुछ पार्ट डिस्कस भी किया है। अब ब्रीफली अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगी, रिवेंज में भी है और ट्रेजेडी का भी कॉन्सेप्ट इसमें है। अब ट्रेजिकल रिवेंज बोला जाता है उसको, ओके। फिर हिज अदर ट्रेजेडीज जो कि इंक्लूड होता है, एक कॉन्स्पेरेसी को बताता है, जो कि ट्रेजेडी ऑफ ए चार्ल्स ड्यूक ऑफ ए बैरन करके, ये इनके कुछ वर्क है जो कि रिवेंज के फॉर्म में इन्होंने इस वर्क को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसपे ऑन द फ्रांसिस कैसेरियन पॉम्पे करके, ये सारे वर्क कॉन्स्पेरेसी और ट्रेजेडी के चार्ल्स सेकेंड्स, ये चार्ल्स को दिखाया गया है इस वर्क में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर हिज कॉमेडी जो कि ऑल फूल करके, जो कि बेस था एक ह्यूमर पे, वो भी ह्यूमर किसके, बेन जॉनसन का वर्क है ह्यूमर, उस पर बेस था, जिसपे कॉमेडीज ऑफ ए ट्रेंड्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है,
एवरी मैन करके भी एक ह्यूमर है, एवरी मैन मेमोरैलिटी प्ले पे हम एवरी मैन पढ़ते हैं तो उसमें भी एक ह्यूमर के बारे में डिस्कस किया गया है। ड्रामा का पार्ट है, इसमें कॉमेडी ऑफ ए मैनर होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर में रिवेंज यूज होता है, ट्रेजेडी यूज होता है, सटायरिकल प्ले यूज होता है, उसमें अलग अलग पार्ट भी होते हैं, कॉमेडी भी यूज होता है, एक्शन पिट एक्शन टाइम प्लेस ट्रेजेडी में यूज होगा। कॉमेडी में अगर यूज कर रहे हैं उसको तो उसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी, मेलोड्रामेटिकल कॉमेडी हो जाएगा, पैथेटिक कंडीशन को दिखाया जाएगा। वही अगर रिवेंज में यूज कर रहे हैं, करप्शन दिखाया जाएगा, ब्लडी रिवेंज को दिखाया जाएगा, क्राइम दिखाया जाएगा, या तो उसमें प्रोवोकिंगनेस को दिखाया जाएगा। ओके, फिर सेकेंड ऑथर है जॉन मार्स्टन करके, इनका वर्क भी वॉयलेंस और सटायरिकल पे बेस्ड था। सटायर, ये वर्क पे सटायर करते थे, ठीक है। वर्क इन द सेंस, वर्क कोई लोग ऐसे होते हैं जो ऑथर होता है वर्क तो लिखता है बट कभी कभी वर्क के थ्रू भी सटायरिकल वर्क, जॉन डन जो है हमेशा सटायरिकल वर्क लिखते थे, मतलब वर्क के अंदर ऑलरेडी उसमें सटायर है उसको और सटायर करेंगे वो, ठीक है, किसी का वर्क को सटायर करना। फिर इन्होंने दो वर्क लिखा है, द मेल्टन कंटेन जो कि 1603 पे आया था, ईस्टर्न वर्ड होए करके जो कि 1605 पे आया था। ईयर मेंशन करना जहाँ पे जो पब्लिश हुआ है क्योंकि इससे क्वेश्चन जाता ही है। फिर इसके बाद और भी ऑथर के बारे में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं थॉमस डेकर करके। थॉमस डेकर जो कि थॉमस डेकर वाज लूम पॉडकास्टेड ऑफ द जॉनसन डेमेट्राइजन में काउंट होते हैं, ये अर्लियर ड्रामेटिक्स में काउंट होते हैं, जो कि टर्न ऑफ ए रेडिकुलर्स जो कि जॉन पे इनके प्ले पे साइटोनिकल मास और अनट्रस्टिंग ह्यूमर्स ऑफ द पोएट को दिखाता है। अनट्रस्टिंग मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वर्क होता है उसमें सटायरिकल पार्ट भी होगा और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हम मेंशन करेंगे उस पर, उस चीज़ को दिखाया जाएगा, ठीक है, जो कि सटायरिकल भी है, अनट्रस्टिंग कैरेक्टर को भी बिल्डअप किया है उन्होंने अपने वर्क पे, उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो इनका वर्क है ओल्ड फॉर्चुनेट करके जो कि 1599 में इन्होंने लिखा था, द शू मेकर हॉलीडेज करके इन सेम एज पे ये पब्लिश हुआ है, फिर द हॉनेस्ट वोअर करके है, ये इसके बाद पब्लिश हुआ है, 1560 पे पब्लिश हुआ है। ओके, तो ईयर मेंशन करना और ये किस एज पे, 17th सेंचुरी पे ही काउंट होता है। ओके, फिर उसके बाद क्ले टॉरनन करके एक ऑथर आते हैं, ये क्लेन टॉरनन जो है प्लेज द एथलिक्स ट्रेजेडी को लिखते हैं और इसमें ट्रेजेडी प्लस रिवेंज भी होता है। इसमें ट्रेजेडी को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके पावर द पावर ऑफ रिवेंज पे जो कि पूजेस दैट पर्सेस ऑफ द रिवेंज पे और वो हाइट ऑफ द एवेंज इट इज़ ए रॉन्ग। अगर ये रिवेंज प्लस ट्रेजेडी यूज़ कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग पाथ पे जा रहा है, उस डायरेक्शन पे जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इनके भी कुछ वर्क हैं जो कि द रिवेंजल ट्रेजेडी इन्होंने 1606 पे लिखा था। अब इसमें रिवेंज और ट्रेजेडी तो यहाँ पे क्राइम भी आ जाएगा, प्रोवोकिंगनेस भी आ जाएगा और ट्रेजेडी का टाइम एक्शन और प्लेस ये रिप्रेजेंट जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मिक्स फॉर्म में लिखा है, ट्रेजेडी रिवेंज और ट्रेजेडी को, तो रिवेंचल ट्रेजेडी भी बोला जाता है। अगर ये कॉमेडी और रिवेंज में लिखा जाएगा तो उसको कॉमिकल रिवेंज बोला जाता है, ठीक है। इनका एक और वर्क है द एथिडिस ट्रेजेडी द हॉनेस्ट मैन ऑफ द ट्रेजेडी जो इन्होंने 1611 में लिखा है, ठीक है। और भी कुछ ऑथर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जॉन वेबस्टर का इन्होंने बहुत सारा ट्रेजेडी लिखा है और इनका एक फेमस ट्रेजेडी है जो कि डचेस ऑफ माल्फी है, जो कि हम अपने इंग्लिश लिटरेचर पे बीए में या फिर एमए में थर्ड सेम पे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि जॉन वेबस्टर इज़ ए वेल नोन फॉर इन्वॉल्विंग, वो उनके वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इन्होंने ट्रेजेडी को इन्वॉल्व किया है, नूड एंड थंडर पे बताया है, थीम को लेके आए हैं, आर्ट जो रहता था इनका एक पोएटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन को लेके आते हैं जिसमें प्ले रैंक को दिखाया जाता था और ये रैंक मतलब शेक्सपियर से थोड़ा ऊपर उठना चाहता है बट उतना ऊपर ये उठ नहीं पाए हैं, बट हाँ इस एज में वो काउंट होते हैं कंटेम्प्रेरी एज में, उनके भी आप में कंटेम्प्रेरी एज पे वो नहीं आते हैं, ठीक है। इस एज में अदर अर्लियर ड्रामेटिक्स पे ये काउंट होते हैं। इनका वर्क आप पढ़ोगे डचेस ऑफ ए माल्फी जो है बेस्ट वर्क है जो कि 1613 पर लिखा गया था, इसमें ट्रेजेडी भी है रिवेंज भी है, बहुत अच्छा है ये स्टोरी, इसको आप पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है इस टू मोस्ट फेमस प्ले द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ अमाल्फी जो कि मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही हूँ, जो कि बोथ थीम बेस्ड है, एक इटालियन रूल क्लासेस को बताता है नोबिलिटी ऑफ द डैम ऑफ
यहाँ पे एक मैग्निकल कलेटिव को बताता है, इसमें बहुत सारा ट्रेजेडी को बताया है। इस ट्रेजेडी में अलग अलग चीज़ें मैंशन हैं, ठीक है। अगर वाइट डेविल की बात करें जो कि 1612 पे लिखा गया था, इसमें भी ट्रेजेडी है और रिवेंज का फॉर्म भी यूज हुआ है। डचेस ऑफ अमाल्फी जो कि 1613 पे लिखा गया था, ये बेस्ट प्ले में काउंट होता है, ठीक है। डचेस ऑफ अमाल्फी में बहुत सारा कैरेक्टर है, बसोलो का कैरेक्टर है, एंटोनियो का कैरेक्टर है, डचेस का फर्डिनेंड और कर्डिनेंड का कैरेक्टर है। जो डचेस रहती है वो कर्डिनेंड की सिस्टर रहती है, उसका एक कैरेक्टर, दोनों ट्विंस रहते हैं, उस चीज़ को बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं थॉमस मिडिल्टन। ये भी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट सेशन हमारा हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज पे थॉमस मिडिल्टन भी काउंट होते हैं इनके वर्क के थ्रू, क्योंकि इनका वर्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता था। उसमें प्लॉट स्ट्रक्चर जो थीम का यूज़ होता था और जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, सेटिंग आ रहा है ड्रामा के लिए, कॉमेडी ऑफ ए मैनर पे यूज़ होता है वो, ट्रेजेडी कॉमेडी सटायर प्ले रिवेंज ये सारा चीज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे थॉमस मिडिल्टन हैज़ प्रोड्यूस द सिटीज ऑफ ए कॉमेडी लाइक अ ट्रिक आउट टू कैच ओल्ड वन, जो कि कैस्टेड मेड को इन्होंने एक वर्क को रिप्रेजेंट किया हुआ है चीपेस्ट साइड पे। और इनका एक वर्क है अ गेम ऑफ एट द चेज जो कि 1624 पे इन्होंने लिखा है, द चांसलिंग करके जो कि चेंजलिंग करके 1622 में इन्होंने लिखा है। ये पहले लिखा है, ये इन्होंने बाद में लिखा है, ओके। इस और भी राइटर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर फ्रेंसी बेलमोंट एंड जॉन फ्लेचर करके है, ये अपने वर्क सेवरल ट्रेजेडीज और कॉमेडी इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, उस चीज़ को देखा जा रहा है, जो कि प्रॉपर एक मैड ट्रेजेडी है और नाइट ऑफ ए बर्निंग पिस्टल को बताता है, जो कि 1607 पे लिखा गया है, ठीक है। ये बिलोंग करता है ट्रेजेडी और कॉमेडी को बता रहे हैं, ये सेवरल बहुत सारा ट्रेजेडी और कॉमेडी इन्होंने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, जिसमें फेमस इन्होंने कोलाब्रेशन में लिखा है, कोलाब्रेशन दोनों साथ में मिलके लिखे हैं, वो यहाँ पे लिस्टेड बिलो है, जो कि मेड ट्रेजेडी जो कि 1619 में लिखा गया था, द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल करके जो कि 1607 पे लिखा गया था, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। फिर फ्रेचलर ऑफ ए फिलिप मैसेंजर करके, इन्होंने इनके साथ भी कोलाब्रेशन में लिखा है। अब इनके साथ फ्रेचलर्स एंड फिलिप मैसेंजर जो कि प्रोड्यूस सोशल कॉमेडी को यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे इन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी का पार्ट लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने सामाजिक तौर पे जो कॉमेडी दिखाई जाती है उसको, जिसमें स्टॉक ऑफ ए कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को वहाँ पे बिल्डअप किया जाता है, उसको बनाया भी जाता है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर उनका अलग अलग एक स्क्रिप्ट भी रहता है, लाइक अ न्यू वे टू पे द ओल्ड डेबिट्स करके है इनका एक वर्क है, जिसमें बहुत सारा कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। द सिटी ऑफ ए मैडम करके है, अ ट्रिक कैच द ओल्ड वन करके है, ठीक है। द मेड ऑफ द हॉनर सोले रिटन बाई फिलिप मैसेंजर, जो कि एक रोमांटिक स्टडी पे फीमेल वर्च्यूज को दिखा रहा है, जो कि T.S. एलियट अपने वर्क पे ट्रेजेडी में इनको लेके आए हैं, मदर एंड कैथेड्रल में वो चीज़ को आप देख सकते हैं, या वेस्टलैंड में भी उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके बाद दो ऑथर और हैं जिनको हम इस एज पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जॉन फोर्ड करके हैं, ये इस एज पे एज अ अर्लियर ड्रामेटिस्ट एज पे आते हैं, जिस पे इन्होंने मोस्ट फेमस सिग्निफिकेंट वर्क लिखा है, जिसमें ब्रोकन हार्ट करके है, ठीक है, जिसमें इन्होंने सिग्निफिकेंट ड्रामास ऑफ ए कैथोलिक पीरियड पे काउंट होता है। कैथोलिक पीरियड क्या होता है, जो वॉर के टाइम पे होता है ना, वॉर के टाइम पे जो ऑथर अपना वर्क लेके आते हैं उसको कैथोलिक पीरियड भी बोला जाता है, कैरोलाइन पीरियड सॉरी। ही हैज़ प्रोड्यूस द ट्रेजेडी लाइक, इन्होंने कॉमेडी भी लिखा है और इस लाइन पे मतलब वॉर के बारे में ज़्यादा इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वहीं से उनको इन्फ्लुएंस मिला, उस चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेजेडी, इनका जो ट्रेजेडी था लाइक द हार्ट द ब्रोकन हार्ट करके, इसमें इन्होंने ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इनका एक वर्क है, इट इज़ अ पीटी शी इज ए वोवर, जिसमें इन्होंने डील किया है इंट्यूशन लव अफेयर के बारे में बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, इसको इडिबस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिस सोफेक्लस ने अपना एक वर्क लिखा है इडिबस रे करके, उसमें एक सन और मदर का रिलेशनशिप को दिखाया गया है, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जो कि एक हॉरिफिक इवेंट पे दैट फॉलो द अफेयर, ठीक है, इस पे लेके आता है, तो इसको इडिबस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एज अ रिप्रेजेंट ओपनली होती नहीं है, इसलिए इडिबस कॉम्प्लेक्स का एक टर्म का नाम दे दिया गया है, ओके। फिर लास्ट हमारे इस एज के राइटर हैं जेम्स श्रिलिन करके, यहाँ पे द कार्डिनल इज अ श्रिलिन बेस्ट ट्रेजेडी, जो कि स्टोली लाइन रिमाइंड करते हैं ये डचेस ऑफ माल्फी में, क्यों, क्योंकि ये एक बेस्ट वर्क है, जॉन वेबस्टर का है, ये 17th सेंचुरी पे काउंट होता है, और बहुत सारा जो इम्प्लीमेंट इसमें इस कैरेक्टर इस नॉवेल पे सॉरी इस ड्रामा पे है, कर्डिनेंड का कैरेक्टर है, फर्डिनेंड का कैरेक्टर है,
डचेस का कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी का पार्ट दिखाया है, उसमें रिवेंज पार्ट भी है। तो ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ एक्शन टाइम प्लेस आ जाएगा, रिवेंज में प्रोवोकिंगनेस आ जाएगा, सुसाइडिकल पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे फर्डिनेंड और डचेस जो है ट्विंस सिस्टर ब्रदर रहते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, फिर इन द अदर प्ले जो कि हम इंक्लूड करते हैं, अ कॉमेडी कॉल्ड अ लेडी ऑफ ए प्लेजर, हेड पार्को, अ प्ले जो कि प्ले जो बेस्ड है यहाँ पे वो कौन से पे है, फैशनेबल गॉसिपिंग पे बेस्ड है ये प्ले। अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था ड्रामा का, फ्लोरिस्ट हो रहा था, तो ये सारी चीज़ के बारे में भी लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम रेस्टोरेशन एज पढ़ेंगे, तो उसमें भी धीरे धीरे एक मॉडर्न ओपनली हर चीज़ को लिखा गया है। ओके, और इस पे जितना भी मैंने पार्ट अप को डिस्कस करके समझाया है कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है, ये ओवरव्यू है, और इस पे कुछ कुछ चीज़ें जो मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये। ओके, थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।